और वेलकम टू मरीन इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन इंजीनियरिंग लेक्चर्स। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा ड्रीमर्स पैकेज रिव्यू के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा 5 to 6 days मैं आउट ऑफ स्टेशन था, जिसके चलते मैंने कोई भी 12 और मैराथन मरीन इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज आफ्टर 6 lectures के बाद कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं किया, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। बहुत ही जल्द रिमेनिंग लेक्चर्स के साथ मैं आऊंगा। ओके, सो आज की जो हमारी वीडियो होगी वो ड्रीमर्स पैकेज के ऊपर होगी। आप लोगों को, बहुत लोगों को ड्रीमर्स पैकेज के बारे में पता होगी, मे बी आप उस पैकेज से स्टडी भी कर रहे होगे। ओके, एंड बहुत सारे लोगों को इस पैकेज के बारे में पता नहीं है, तो ये वीडियो देखने के बाद पता चली जाएगी। ओके, सो ड्रीमर्स पैकेज विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय चीफ इंजीनियर प्रनीत मेहता सर, जो JMDI अकेडमी के डायरेक्टर एंड फाउंडर एट मर्चेंट नेवी डिकोडर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ड्रीमर्स पैकेज पूरी वीडियोस देखा, फ्रॉम फ्लूइड मैकेनिक्स टू मटेरियल साइंस एंड व्हाट्सो, एंड मैं अपनी ऑनेस्ट फीडबैक प्रनीत सर से शेयर करना चाहा, बट उन्होंने बोला कि बेटर होगा अगर मैं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म में अपनी फीडबैक शेयर करूं। एंड ये मेरी फीडबैक जो होगी, ये मेरी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू है। ओके, ये मेरी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं यहां पर कुछ मिसिंग कॉन्सेप्ट पे भी बात करूंगा, मैं ओनली यहां पर एडवांटेज की बात करने नहीं आया हूं। ओके, क्योंकि मैं लोगों को मिसगाइड नहीं करना चाहता हूं, जो फैक्ट है मैं उन टॉपिक पे बात करूंगा, सिंपल। ओके, सिंपल, आपको पूरी वीडियोस देखने के बाद खुद पता चल जाएगी। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा। फर्स्ट थिंग इज मेक योर ऑन नोट्स, जो काफी आपके लिए हेल्पफुल होगी। सेकेंड थिंग इज मिनिमम नॉलेज। मिनिमम नॉलेज मीन्स व्हाट? अगर आप कोई भी इंटरव्यू पे जाते हो, कोई भी इंटरव्यू में जाते हो, ओके, तो इंटरव्यूअर और सर्वेयर आपसे एक मिनिमम नॉलेज एक्सपेक्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग हमेशा याद रखना है आपको। सपोज आप एक फर्स्ट ईयर कैंडिडेट हो, एज्यूम करो फर्स्ट ईयर बीटेक मरीन इंजीनियरिंग आप कैंडिडेट हो, और आप स्पॉन्सरशिप के लिए एंड बोल सकते हैं कैंपस प्लेसमेंट के लिए कोई कंपनीज आई है, तो आपको एक मिनिमम नॉलेज वो एक्सपेक्ट करेंगे, इतनी नॉलेज आपको आनी चाहिए। व्हाट आर दोज? ओम्स लॉ, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड क्वेश्चंस, ओके, फ्लूइड मैकेनिक्स सच इज व्हाट इज काइनेटिक विस्कोसिटी, व्हाट इज डायनेमिक विस्कोसिटी, व्हाट इज बर्नौलीज थ्योरम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी, पास्कल्स लॉज, ओके, बेसिक्स थर्मल फिजिक्स, ओके, व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, गॉट इट? तो ये हमारे क्या है, मिनिमम नॉलेज है। मिनिमम नॉलेज एक इंटरव्यूअर आपसे एक्सपेक्ट करता है। डोंट वरी, अगर आपको एक आध क्वेश्चन अगर टॉप भी पूछते, सपोज आप फर्स्ट ईयर में और आपको इंटरव्यूअर ने पूछा व्हाई टू स्ट्रोक इंजन, मेबी बहुत सारे लोग नहीं बता पाएंगे, तो वहां पर कोई मैटर नहीं होता है। बट आप अगर ओम्स में नहीं बता पाएंगे तो वहां पर आपकी सिलेक्शंस तो नहीं होगी, ये तो फिक्स है। उसके बाद आप फैराडेज लॉज भी नहीं बता पाए, उसके बाद आप बेसिक्स थर्मल फिजिक्स नहीं बता पा रहे हो, एडियाबेटिक नहीं बता पा रहे हो, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशंस नहीं बता पा रहे हो, तब तो आप प्रॉब्लम्स होगी। तो आपको एक मिनिमम नॉलेज होनी चाहिए, उसी पर ड्रीमर्स पैकेज की फोकस है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जितना वीडियोस देखा मैंने कंक्लूजन यही निकाला, एक मिनिमम नॉलेज अगर आपकी होगी तो आप सर्वाइव कर पाओगे, सीट पे भी सर्वाइव कर पाओगे एंड इंटरव्यू भी क्लियर कर सकते हो। डिफिकल्ट आपको नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं, बेसिक्स आनी चाहिए, बेसिक्स आएगी तभी आप डिफिकल्ट समझ पाओगे। चलो मैं एक एक करके रिव्यू देता हूं टॉपिक वाइज टॉपिक। ओके, आप देखो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी ऑनेस्ट फीडबैक कमेंट करो, जैसे कि मैं अपनी ऑनेस्ट रिव्यू आपको दे रहा हूं। चलो फर्स्ट टॉपिक फ्लूइड मैकेनिक्स में बेसिक्स टू बेसिक्स आपकी क्लियर की गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक्स टू बेसिक्स, विस्कोसिटी, व्हाट इज विस्कोसिटी, व्हाट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी, व्हाट इज डायनेमिक विस्कोसिटी, रिलेशनशिप बिटवीन डायनेमिक एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट लॉज डिस्कस की गई है, जो आपको फ्रॉम फर्स्ट ईयर कैडेट टू फाइनल ईयर मरीन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स तक के लिए काम आती है, दैट इज बर्नौलीज थ्योरम, व्हाट इज वेंचुरी इफेक्ट, व्हाट इज नोजल, कन्वर्जेंट नोजल, डाइवर्जेंट नोजल, ओके, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पास्कल्स लॉ, इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी, इन लॉज पे फोकस की गई है आपकी फ्लूइड मैकेनिक्स। एंड मुझे ये सबसे बेस्ट पार्ट लगा पूरी ड्रीमर्स पैकेज में, मुझे फ्लूइड मैकेनिक्स सबसे बेस्ट पार्ट लगा, जो इक्वली इंपॉर्टेंट है जीएमई एस्पिरेंट्स के लिए एंड बीटेक मरीन इंजीनियरिंग और ट्रेनी मरीन इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए।
इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करूंगा फ्लूइड मैकेनिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं वो भी आपको बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा नहीं कि ये वीडियो में कुछ भी बोलकर निकल गया, नहीं, आप नीचे क्वेश्चंस पूछो अगर आपको कोई डाउट भी है तो। क्यों इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट थिंग अगर मैं बात करूं बर्नौलीज़ थ्योरम की, बर्नौलीज़ थ्योरम यहां पर एक्सप्लेन की गई है, कन्वर्जेंट नोजल एक्सप्लेन की गई है, इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी एक्सप्लेन की गई है, वेंचुरी इफेक्ट एक्सप्लेन की है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर मेजरमेंट एक्सप्लेन की गई है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेज एक्सप्लेन की गई, मैनोमीटर्स एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। ओके नाउ बर्नौलीज़ थ्योरम, अब देखो मरीन ऑक्सिलरी मशीन्स से मैं इसे रिलेट करूंगा, जो मेरी एक्सपीरियंस थी, जो मैं पढ़ता हूं तो जो मैंने फील किया है मरीन ऑक्सिलरी मशीन्स की। अगर आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपकी दो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, थर्मल फिजिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मल फिजिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। आप देखो फ्रेश वाटर जनरेटर वैक्यूम कैसे क्रिएट होता है, इडक्टर, इडक्टर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेंचुरी, फ्लूइड मैकेनिक्स। क्लियर, ये हमारी फ्रेश वाटर जनरेटर की आप एक बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो। ओके नाउ सेकंड थिंग, अगेन सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप की मैंने रेगुलर लेक्चर्स में आपको बर्नौलीज़ थ्योरम भी इंट्रोड्यूस किया था। ओके बर्नौलीज़ थ्योरम अगेन फ्लूइड मैकेनिक्स। क्लियर, तो फ्लूइड मैकेनिक्स की आपकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए तभी आप मरीन ऑक्सिलरी मशीन समझ पाओगे, एंड यहां पर उन्हीं टॉपिक्स पे फोकस किया है जो इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं, सबसे बेस्ट पार्ट ये है। ओके तो अगर मैं रेटिंग्स की बात करूं, मैं रेटिंग्स भी देता जाऊंगा, ये मेरी पॉइंट ऑफ व्यू है। ओके फॉर जीएमई एंड टीएमई में 4.8 आउट ऑफ 5 मैं दूंगा, 4.8 बीटेक एमई और टीएमई। ओके ये हमारी फ्लूइड मैकेनिक्स की रिव्यू थी, एंड मुझे सबसे बेस्ट लगा, मैं ये भी बोल रहा हूं पूरी कंटेंट में मुझे फ्लूइड मैकेनिक्स सबसे बेस्ट लगी। एंड सेकंड थिंग इज पंप्स, पंप्स में इंट्रोड्यूस की गई है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंप, फर्स्ट सेंट्रिफ्यूगल पंप इंट्रोड्यूस किया, सेंट्रिफ्यूगल पंप की वर्किंग प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस की गई है, टाइप्स ऑफ पंप्स इंट्रोड्यूस किया, सच एज डिफरेंट टाइप ऑफ पंप, दैट इज रेसिप्रोकेटिंग पंप, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, स्क्रू पंप, ओके एंड अदर टाइप्स ऑफ पंप सच एज गियर पंप्स मेंशन की गई है पंप्स में। ओके नाउ मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, नाउअडेज क्वेश्चंस सच एज एनपीएसएच पे डिस्कस की गई है, जो सिनर्जी इंजन एग्जाम्स में काफी पूछे जा रहे हैं एनपीएसएच पे, अभी मैं आपको लाइव एग्जाम्पल भी देने वाला हूं एनपीएसएच पर। ओके बीटेक मरीन इंजीनियर और टीएमई इंडिया से जीएमई में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि पंप से इक्वली आप लाइक टफ मैं बोल सकता हूं लेवल ऑफ क्वेश्चंस आप इक्वल एक्सपेक्ट करो, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर्स में भी पंप फास्ट सब्जेक्ट मानी जाती है एंड बीटेक मरीन इंजीनियरिंग में। ओके बट यस, अब मैं मिसिंग कॉन्सेप्ट पे बात करूंगा पंप्स में, जो मैंने फील किया है कुछ क्वेश्चंस वहां पर डिस्कस करने चाहिए, जो काफी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, बट हमारे ड्रीमर्स पैकेज में ये मेंशन नहीं है। अगर आप ड्रीमर्स पैकेज परचेस किए हो ओके तो आप ये पॉइंट ऐड कर लो जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज ड्रीमर्स पैकेज में आपको बताया गया है पंप्स जो होती है ओके वो हमारी एयर हैंडल नहीं कर पाती है। Yes, वो एयर सक कर रही है बट वो हैंडल नहीं कर पाती, उसकी एफिशिएंसी ड्रॉप हो जाती है। तो ये क्वेश्चंस जो होते हैं काफी इंटरव्यू पूछे जाते हैं, अगर आपने नोट किया होगा ना, अगर आप पढ़ाई कर रहे होगे, आप नोट डाउन किए होगे चीजें, तो आपको ये क्वेश्चंस रेज हुई होगी, और मेरी व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं भी एडेड हूं जो ड्रीमर्स पैकेज जो लोग लेते हैं उनसे व्हाट्सएप ग्रुप में एड किया जाता है, मैं फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस ऑब्जर्व करता हूं, बहुत बार ये क्वेश्चंस ड्रीमर्स पैकेज से ही उठकर आते हैं, इस पर क्वेश्चंस की वैक्यूम और एयर सेंट्रिफ्यूगल पंप इफिशियंटली तरीके से क्यों हैंडल नहीं कर पाता है। ओके तो इन क्वेश्चंस पर आपको वर्क करनी होगी। ओके सेकंड थिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप्स है बट वहां पर एक मिसिंग कॉन्सेप्ट है रोल ऑफ एयर वेसल्स। ओके रोल ऑफ एयर वेसल्स अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड यस एनपीएसएच आई थिंक अच्छी तरीके से दी गई है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंट्रिफ्यूगल पंप्स आपको बताई गई है, जो मैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं। ओके सेंट्रिफ्यूगल पंप्स आपकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पंप्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर पंप्स भी अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया गया है। ओके तो ये हमारी पंप्स की रिव्यू थी। नाउ नेक्स्ट वन थर्मोडायनेमिक्स, अगेन थर्मोडायनेमिक्स की अगर मैं बात करूं, ओके पंप्स की अगर मैं रिव्यू के बारे में बात करूं तो अगेन मैं यहां पर
4.5 दूंगा, इसे मैं 4.5 दूंगा। ओके, थर्मोडायनेमिक्स, अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं तो बहुत ही बेसिक्स तरीके से थर्मोडायनेमिक्स आपको समझाई गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही काफी बेसिक्स समझाई गई है, थर्मोडायनेमिक्स लॉज आपको बताई गई है। ओके, मैंने कुछ नोट डाउन किया है। ओके, थर्मोडायनेमिक्स लॉज आपको बताई गई है। एंड यस, थर्मोडायनेमिक्स के अंडर आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजन लाइक ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल एंड डुअल साइकिल्स पे बात की गई, जो कि मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस है नाउअडेज बोथ जीएमई एज वेल एज टीएम। ओके, तो मैं थर्मोडायनेमिक्स में काफी चीजें मैंने ऑब्जर्व किया एंड कंटेंट काफी अच्छी है, काफी हेल्पफुल कंटेंट है। ओके, सो थर्मोडायनेमिक्स डिफरेंट साइक्लिक पे बात की गई है, एडियाबेटिक साइकिल, साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक वर्क पे बात की गई, आइसोथर्मल प्रोसेस, मैं बोल सकता हूँ आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस पे इस पर डिलीवर की गई, जो कि मोस्टली यस थर्मोडायनेमिक्स जो कॉन्सेप्ट्स होती है मोस्टली सेकेंड ईयर कंपनीज प्लेसमेंट है, मोस्टली जीएमई में पूछे जाते हैं। टीएमई में डायरेक्टली आईसी इंजन पे फोकस किया जाता है, राइट। ओके, सो अगर मैं इसे बात करूं तो 4.5 रिव्यू दूंगा। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट अवेटेड टॉपिक, आईसी इंजन टॉपिक, आईसी इंजन अगेन, आईसी इंजन टॉपिक। ओके, मैं सेपरेट डिस्कस करना चाहूंगा, जीएमई की सेपरेट डिस्कस करूंगा आईसी इंजन टॉपिक पर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जीएमई एस्पिरेंट्स के लिए अगर मैं आईसी इंजन पे बात करूं तो जो भी इंटरव्यूअर और सर्वेयर होते हैं, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे। ओके, आप भी देख सकते हो पार्ट्स ऑफ डीजल इंजन पे काफी फोकस किया जा रहा है, मीन्स फोर स्ट्रोक पे काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। जीएमई में फोर स्ट्रोक्स पे काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है एंड ड्रीमर्स पैकेज में भी फोर स्ट्रोक्स पे काफी ज्यादा फोकस की गई है। टू स्ट्रोक्स पे काफी कम वीडियोस हैं, टू स्ट्रोक्स पे काफी कम वीडियोस हैं जो बीटेक एमई और टीएमई में काफी पूछे जाते हैं, क्लियर। तो उस पर भी वर्क होगी, डोंट वरी, बट यस आपको अपनी तरफ से आप उसके लिए रुके तो नहीं रहोगे। ओके, उसके लिए आपको भी नहीं रुकना है, आपको भी रनिंग कंडीशंस पे होना है। ओके, सो यस जीएमई के लिए आईसी इंजन मैं बेस्ट मानता हूं। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट यार, मैं जीएमई के लिए ये पैकेज बेस्ट मानता हूं। फर्स्ट थिंग, यस बीटेक के लिए मैं अभी काफी चीजें बोलूंगा, काफी चीजें ऐड आपको करवाऊंगा, आप पेन और कॉपी लेकर बैठो। ओके, आईसी इंजन में क्या क्या टॉपिक्स कवर की गई है, सच एज कूलिंग सिस्टम, फ्यूल ऑयल सिस्टम, लूब ऑयल सिस्टम्स पे फोकस की गई है। ओके, एसआई इंजिन, सीआई इंजिन, डिफरेंस बिटवीन फोर स्ट्रोक एंड टू स्ट्रोक, टाइमिंग डायग्राम फोकस की गई है। बट अगर मैं बात करूं बीटेक टीएमई की, तो बीटेक टीएमई नाउअडेज, मैं आपको अभी लाइव एग्जांपल देने वाला हूं, आप देख सकते हो ये बंदा सिनर्जी एस्पिरेंट्स बंदा है। रिसेंटली इन्होंने सिनर्जी इंजिन एग्जाम्स के इंटरव्यू क्रैक किया एंड यस वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन। आप इनकी कोशिश देखो, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक इंजन भी इंट्रोड्यूस की जा रही है, सच एज इंटेलिजेंट इंजन, कैमलेस इंजन, एंड आफ्टर दैट डीएफडी पे भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, दैट इज ड्यूअल फ्यूल इंजन्स। ओके, ड्यूअल फ्यूल इंजन्स पे भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बट ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे ड्रीमर्स पैकेज में मिसिंग है। ओके, मिसिंग है मीन्स एड होगी, बट मैं अभी भी बोलता हूं ऐड होगी तो वो ऐड कब होगी। देखो ये सारे वीडियोस बनाने में काफी एफर्ट लगते हैं, तो ऐसा नहीं है रातों रात वीडियो बन गई एंड आपके सामने आ गई, नो। ओके, बट आपको ये बैठना नहीं है, आप भी स्टडी करते रहो, मैं आपको बस एक अप्रोच बता रहा हूं आपको कैसे स्टडी करनी है। तो आपको ऐड करनी है, अगर आप बीटेक एमई हो तो आपको ऐड करनी है इंटेलिजेंट इंजन। ओके, आपको रिवर्सिंग ऐड करनी है। ओके, रिवर्सिंग मैन बीएमडब्ल्यू सल्जर, ओके थर्ड ईयर सेकेंड सेम में आप लोगों को पढ़ाया जाता है। ओके, रिवर्सिंग कॉन्सेप्ट्स ऐड करनी है। ओके, एंड डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजन की अगर मैं बात करूं, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक इंजन की अगर मैं बात करूं, सच एज आप लोगों ने देखा होगा सल्जर इंजन, कुछ न्यू टेक्नोलॉजी अपडेट मीन्स अडॉप्टेड की गई है, मैन बीएमडब्ल्यू में न्यू टेक्नोलॉजी अपडेट अडॉप्टेड की गई है। तो आपको मैं ये नहीं बोल रहा बहुत ही वास्ट या डीपली पढ़ना है, नहीं, बट आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए। ओके, बेसिक्स आपको चीजें पता होनी चाहिए, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक इंजन यहां पर ऐड करनी होगी, राइट। एंड यस,
एंड भी मैंने कुछ नोट डाउन किया है, मैं आपको बताना चाहूंगा। यस, ड्रिमर्स पैकेज में आईसी इंजिन में आपको कूलिंग सिस्टम बताई गई है, ल्यूबल सिस्टम बताई गई, फ्यूल ऑयल सिस्टम बताई गई, काफी अच्छी तरीके से बताई गई, जो जीएमई के लिए मोर देन इनफ है। मैं तो स्टार्टिंग से बोलता हूँ जीएमई के लिए बेस्ट पैकेज है, नो डाउट। बट यस, फॉर बीटेक मरीन इंजीनियर और डीएमई में यहाँ पर मैं कुछ अनदर पॉइंट एड करना चाहूंगा, सच एज जैकेट कूलिंग वाटर सिस्टम, जैकेट कूलिंग वाटर सिस्टम बट इनकॉर्पोरेटेड विथ पीआई एंड पीआईडी कंट्रोलर। ओके, ऐसे क्वेश्चंस नाउअडेज टीएमई इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, बट ये कॉन्सेप्ट्स मिसिंग है ड्रीमर्स पैकेज में। तो आपको ये सारी कॉन्सेप्ट्स ऐड करनी है, सारी कॉन्सेप्ट्स ऐड करनी है। अगर आप ड्रीमर्स पैकेज परचेस किए हो तो ये सारी टॉपिक ऐड करो। मैं आपको एक अप्रोच बता रहा हूं, याद रखें, मैं आपको एक अप्रोच बता रहा हूं। ओके, एंड बेसिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप बेसिक्स सीखोगे तभी आप इन टॉपिक्स पे भी फोकस करोगे। एंड मैं स्टार्टिंग में ही बोला था ड्रीमर्स पैकेज की एम बेसिक्स है, उन्होंने उतनी बेसिक्स फंडामेंटल्स क्लियर किए हैं जितनी एक मरीन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड जीएमई स्टूडेंट्स के लिए रिक्वायरमेंट है। बट यस, नाउ अडेज कॉम्पिटिशन बढ़ चुकी है, ओके, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है, तो अब हमारी ये भी पोर्शंस इंट्रोड्यूस की जा रही है। आप देख सकते हो यहां पर, आप क्लियर देख रहे हो। ओके, चलो, ये हमारी आईसी इंजिन्स की पूरी रिव्यू थी। ओके, तो आपको कैमलेस इंजन ऐड करनी है, रिवर्सिंग ऑफ इंजन ऐड करनी है, सेंट्रल कूलिंग वाटर सिस्टम ऐड करनी है, सी वाटर सिस्टम ऐड करनी है। ओके, चलो, अब मैं बात करूंगा एयर कंप्रेसर्स की। अगर मैं इसकी रिव्यू दूं तो यस यार, जीएमई के लिए तो 4.5 है, बट यस बीटेक के लिए मैं 3.5 इसकी रिव्यू दूंगा, बिकॉज कुछ टॉपिक्स जो है मेजर टॉपिक्स मिसिंग है। ओके, ऑल्दो यस मैं एक्सेप्ट करता हूं बीटेक मरीन इंजीनियर और टीएमई में भी लाइक 4-स्ट्रोक टाइमिंग डायग्राम, 2-स्ट्रोक टाइमिंग डायग्राम ये सब पूछे जाते हैं, बट आपको ये भी पढ़ाई करनी है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट्स मिसिंग है। ओके, चलो, नेक्स्ट थिंग एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर अगेन बोथ जीएमई एज वेल एज टीएमई के लिए बहुत ही बेस्ट है। ओके, वहां पर कुछ इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस भी सर ने डिस्कस किया है, ड्रीमर्स पैकेज में डिस्कस किया गया है। ओके, बट यस, मोर थिंग्स ऐड करनी चाहिए, लाइक मोर कंप्रेसर सेफ्टी और कंप्रेसर सेफ्टी पे बात करनी चाहिए। ओके, एंड यस, कुछ इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस और ऐड कर सकते हो, लाइक आपको वहां पर पूरी स्कीमेटिक डायग्राम समझाया गया है, डायग्राम के साथ पूरी आपको वर्किंग प्रिंसिपल समझाई गई है एयर कंप्रेसर्स के। बट कुछ इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस इंटरव्यू आपको पूछ सकते हैं, लाइक सिलेंडर डायमीटर आप देखते हो धीरे, जैसे जैसे स्टेज इंक्रीज होती है सिलेंडर डायमीटर हमारी रिड्यूस होती है, वाई वाई मल्टी स्टेज कंप्रेसर्स, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करनी है। एयर कंप्रेसर्स की अगर मैं बात करूं तो अगेन दोनों इक्वल है, 4 और 4 में देना चाहूंगा। ओके, एयर कंप्रेसर्स के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बॉयलर। नाउ बॉयलर अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है हमारी जीएमई के लिए एज वेल एज हमारी टीएमई के लिए। नाउ एंड बॉयलर में भी बहुत ही बेसिक्स आपको बताई गई है, व्हाट इज बॉयलर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉयलर, जो ये मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस होती है, रेगुलरली क्वेश्चन आस्क्ड होती है इंटरव्यू में, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस है, बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था आपकी बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए, मिनिमम नॉलेज क्लियर होनी चाहिए। ये तो हमारी कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो रही है तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फर्स्ट थिंग, कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो रही है तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बट ये जो मिनिमम नॉलेज जो है वो सबसे पहले आपकी होनी चाहिए। तो मिनिमम नॉलेज पे ड्रीमर्स पैकेज काफी ज्यादा फोकस किया है, मैं यही कंक्लूजन हमेशा निकालता हूं। तो बॉयलर में भी टाइप्स ऑफ बॉयलर, स्मोक ट्यूब टाइप ऑफ बॉयलर, वाटर ट्यूब टाइप ऑफ बॉयलर, बट हाँ, यहां पर कुछ बॉयलर्स में उन्होंने बात किया है, लाइक टैंकर्स में किस टाइप की बॉयलर होनी चाहिए, लाइक योर बल्क कैरियर में किस टाइप की बॉयलर होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए टैंकर्स में हाई कैपेसिटी बॉयलर, क्यों होनी चाहिए बल्क कैरियर में लो कैपेसिटी बॉयलर, वो सारी चीजें ड्रीमर्स पैकेज में डिस्कस की है, जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, क्रूज कूलिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, क्लियर इतनी। चलो, ये हमारी बॉयलर थी। बट मरीन इंजीनियरिंग में मैं ऐड करना चाहूंगा सच एज एलिमेंट कंट्रोल पर मैं फोकस करूंगा, 2 एलिमेंट कंट्रोल, 3 एलिमेंट कंट्रोल आपको थोड़ी फोकस करनी होगी क्योंकि कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो रही है। ओके, एंड ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ बर्नर पे आपको फोकस करनी होगी, टर्न डाउन बॉयलर टर्न डाउन रेशियो जो होती है उस पर आपको फोकस करनी होगी। ओके, तो इन चीजों पर आपको फोकस करनी होगी। ओके, तो ये मैंने बॉयलर की आपको रिव्यू बताया। ओके, नाउ अगर मैं इसकी रेटिंग दूं तो ठीक हो यार, जीएमई 4.5 रेटिंग दूंगा, एंड मैं बीटेक एमई के लिए जो बॉयलर है उसे मैं 4 रेटिंग देता हूं। ओके,
चलो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम, अगेन वेरी गुड टॉपिक। मैं फ्लूड मैकेनिक्स के बाद इसी टॉपिक को मैं रेटिंग देता हूं, काफी अच्छी रेटिंग में देता हूं, काफी अच्छी तरीके से ड्रीमर्स पैकेज में एक्सप्लेन की गई है, आरएसी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ओके, यहां पर आपको बेसिक्स फंडामेंटल्स आपको क्लियर की गई है। बेसिक्स फंडामेंटल सच एज साइकिल, रेफ्रिजरेशन साइकिल पे फोकस की गई है। ओके, बेसिक्स प्रिंसिपल कंपोनेंट्स एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग मोलियस चार्ट आपको सिखाया गया है, जो आपकी ऑनबोर्ड शीट्स में यूज आ सकती है। ओके, तो ये हमारी रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग है। इंटरव्यू क्वेश्चंस भी काफी डिस्कस की गए, लाइक डिफाइन वन टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, डिफाइन टू टन ऑफ एयर कंडीशनिंग। ओके, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी काफी डिस्कस किए गए हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, बोथ बीटेक मरीन इंजीनियरिंग एंड जीएमई के लिए बेसिक्स तो आपकी पूरी फंडामेंटल क्लियर होगी, नो डाउट। ओके, नाउ अगर मैं बात करूं उस पर भी टॉपिक्स की ऐड की अगर मैं बात करूं तो यस, ऐड होनी चाहिए, दैट इज ऑयल सेपरेटर्स मिसिंग है, पूरी एक लाइन डायग्राम होनी चाहिए। ओके, मैं बोल सकता हूं जो एक्चुअल शिप में जो लाइन डायग्राम होती है, रेफ्रिजरेशन लाइन डायग्राम ऑनबोर्ड शिप्स, वो एक लाइन डायग्राम इंट्रोड्यूस होनी चाहिए थी आरएसी में। ओके, एंड यस एक्सटर्नल इक्वलाइजिंग लाइन एंड इंटरनल इक्वलाइजिंग लाइन इंट्रोड्यूस होनी चाहिए फॉर बीटेक एमई और टीएमई। ओके, एक्चुअली क्या है ना, टीएमई में लाइक बहुत सारे कॉलेजेस में सीएसआईसी होती है, सिप इन कैंपस, आफ्टर फोर्थ ईयर वो एक इंटर्न करते हैं वहां पर। ओके, सिप इन कैंपस, तो वहां पर जो इंटरव्यू होती है थोड़ी लाइक जीएमई लेवल से थोड़ी टफ होती है। बट अगर मैं बात करूं ड्रीमर्स पैकेज सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के लिए तो बेस्ट है, क्लियर। तो ये हमारी आरसी होगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। ओके, अगेन आरएससी की अगर मैं बात करूं, रेटिंग की बात करूं, तो अगेन 4.5 एंड 4. ये 4.8 एंड ये 4.5। ओके, चलो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, यस सी वर्कशॉप टेक्नोलॉजी एक वास्ट सब्जेक्ट है। ओके, इसे आप लाइक थ्योरी से, आप ऐसे नहीं है कि थ्योरी आप पढ़ी और आपको पता चल गया, लेथ एंड भी डिफरेंट वर्कशॉप टूल्स होते हैं, जितने आप फोकस्ड हो, जितने आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स हैंड टूल्स यूज किए, वो आपकी स्किल्स आपके आंसर बताएगी। ओके, सो यार वर्कशॉप टेक्नोलॉजी आपके ऊपर। ओके, अभी तो बहुत सारे कॉलेजेस भी बंद हैं, वर्कशॉप टूल्स हैंड टूल्स आप यूज भी नहीं कर पा रहे होंगे। ओके, सो चलो नेक्स्ट थिंग मटेरियल साइंस। सो मटेरियल साइंस में मैं ऐड करने बोलूंगा, वहां पर लाइक डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप देख सकते हो इनसे एनडीटी टेक्निक्स भी पूछी गई है, दैट इज नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स, एनडीटी टेक्निक्स। ओके, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरोजन, ओके, एनीलिंग, हार्डनिंग, क्वेंचिंग, फैब्रिकेशन, नॉर्मलाइजिंग, ये टीएमई के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। ओके, तो ये हमारी फुल रिव्यू रही है ड्रीमर्स पैकेज की। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल्स की, मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिकल्स जो है पूरी मिसिंग है यहाँ पर। आपको ड्रीमर्स पैकेज में आपको इलेक्ट्रिकल्स नहीं मिलेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल्स जो है पूरी सेपरेट लेक्चर्स आने वाली है। ओके, तो यस ड्रीमर्स पैकेज में बहुत सारे लोगों ने मुझसे भी क्वेश्चन पूछा, बहुत सारे लोग मरीन इंजीनियरिंग डिकोडेड टेलीग्राम में भी पूछते हैं इलेक्ट्रिकल्स है या नहीं, तो इलेक्ट्रिकल्स अभी इंट्रोड्यूस नहीं की गई है। तो आपको बेसिक्स इलेक्ट्रिकल्स जीएमई एज वेल एज टीएमई आपको स्टडी करनी होगी, खुद से स्टडी करो, वेट मत करो कि कब लॉन्च होगी और कब हम पढ़ेंगे, मैं आपको मिसगाइड नहीं करना चाहता हूं। ओके, क्योंकि ये सारी लेक्चर्स प्रिपेयर करने में काफी हार्ड वर्क लगती है। ओके, तो आप वेट मत करो, ये कुछ टाइम लेगी इलेक्ट्रिकल्स। ओके, तो आप इसके लिए वेट मत करो, आप जैसे नॉलेज इंप्रूव कर पा रहे हो अपने कॉलेज के लेक्चर्स से, अगर आप मेरे YouTube चैनल फॉलो करते हो तो मैंने बहुत सारे वीडियोस 10-12 वीडियोस इलेक्ट्रिकल्स की ऑलरेडी डाल चुका हूं, और रेगुलर बेसिस पे भी मैं डालता रहूंगा, आप वो भी फॉलो करो। ओके, एंड ऑन एन एवरेज अगर मैं ड्रीमर्स पैकेज की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल्स मिसिंग्स है एंड मरीन ऑक्सिलरी मशीन। ओके, मरीन ऑक्सिलरी मशीन्स में और भी टॉपिक्स ऐड होनी चाहिए, अगेन फॉर जीएमई, अगेन फॉर टीएमई, नॉट जीएमई। जीएमई के लिए ऑक्सिलरी मशीन्स काफी है। ओके, जितनी डिस्कस की गई है दैट इज रेफ्रिजरेशन बॉयलर की काफी है, बट यस टीएमई के लिए सच है इंसिनरेटर आपको पता होने चाहिए, उसकी रेगुलेशंस पता होने चाहिए, मारपोल, मारपोल की एनेक्सेस पता होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सिलरी मशीन्स की,
ओके आपको फ्रेश वाटर जनरेटर की पूरी वर्किंग प्रिंसिपल पता होनी चाहिए, ओके एंड बिंज लाइन सिस्टम, ओके ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, अगेन सेंट्रल कूलिंग वाटर सिस्टम्स पता होनी चाहिए, ओके तो ये आपको मैं यही बोलूंगा, अगर आप बीटेक एमई और टीएमई है तो आप बेसिक्स फर्स्ट क्लियर करो ड्रीमर्स पैकेज के हेल्प से, एंड आप थोड़े एडवांस भी पढ़ो। एडवांस क्या, सारी पढ़ी हुई होती है, थर्ड ईयर में आप लोगों ने सारी टॉपिक्स कवर की गई है एंड वही आपको इंटरव्यू पूछे जाते हैं, ओके एंड मैं स्टार्टिंग से ही बोला हूं आपको नोट्स बनानी है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बस बोल रहा हूं आपकी आपको नोट्स बनानी है। होता क्या है, हम लेक्चर्स देखते हैं, अगर आप लेक्चर सो कर देख रहे हो तो यार सिंपल सी बात है, आप सुन रहे हो, बस उसे आप सुन रहे हो, कैप्चर नहीं कर पा रहे, सिंपल सी बात है, मैं एक ही लॉजिक जानता हूं, कैप्चर नहीं कर पा रहे। बट अगर आप वीडियो देख रहे हो और नोट्स भी बना रहे हो ना, तो आपको क्वेश्चंस भी अराइज होना स्टार्ट होगी, एंड वही लोग क्वेश्चंस मरीन इंजीनियरिंग डिकोडेड ग्रुप में पूछते हैं एंड व्हाट्सएप ग्रुप में भी वही लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ओके अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं भी ये स्ट्रॉन्गली फॉलो करता हूं। आप देख सकते हो ये जो मेरे हैंड में जो नोटबुक है, ये पूरी नोटबुक सेंट्रिफ्यूगल पंप की है, नोट पंप ओनली सेंट्रिफ्यूगल पंप, ओके क्योंकि मैं वेरियस कोर्स रेगुलर करता हूं, ओके डिफरेंट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से मैं डिफरेंट कोर्सेस करता हूं, तो ये जो आप मेरे नोट्स देख रहे हो ये मेरी सेंट्रिफ्यूगल पंप्स की नोट है, तो आप देख भी सकते हो, ओके ये पूरी सेंट्रिफ्यूगल पंप्स की नोट्स है, आप देख सकते हो प्रेशर्स मेजरमेंट, हेड वर्सेस प्रेशर्स, एनपीएसएच, कैविटेशंस, ओके ये पंप्स इफिशियंसी, सक्शन स्पेसिफिक स्पीड, वियर रिंग, इंपेलर्स, वियर बैंड्स, ओके पंप्स परफॉर्मेंस कर्व्स, ओके तो आप देख सकते हो ये पूरी बुक कॉपी जो है ना, ये मेरी पूरी कॉपी सेंट्रिफ्यूगल पंप के लिए, ओके ये पूरी कॉपी मेरी सेंट्रिफ्यूगल पंप, इधर मैंने थोड़ी स्टेरिंग गियर्स की नोट्स बनाई रखी है, ओके सो आपको भी नोट्स बनानी है, जहां जरूरत है उसकी आप नोट्स बनाओ, इससे क्या होता है आपकी नॉलेज इंप्रूव होती है, ओके तो ऑन एन एवरेज ड्रीमर्स पैकेज को मेरी तरफ से रेटिंग 4.5 है, 4GME एंड 4.4TME, ओके सो आप हार्डवर्क करो, जो पैकेज बनी है काफी मैं बोलूंगा बहुत ही लो प्राइस है, 999, ओके एंड उसमें इतनी सारी वीडियोस, बेसिक्स आपकी क्लियर होगी, ओके आपकी बेसिक्स क्लियर होगी तभी आप इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस पे जा सकते हो, ओके तो ये मेरी अपनी ऑनेस्ट फीडबैक थी। बहुत सारे लोगों ने ओनली ड्रीमर्स पैकेज को पढ़कर इंटरव्यू क्लियर किया है, एंड आई एग्री, ओके बट ये मेरी पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं चाहता हूं कि आप और भी टॉपिक्स ऐड करो, एंड अगर आपने क्लियर किया तो इट्स योर लक, ये आपकी लक है, अगर आप ओनली ड्रीमर्स पैकेज पे रिलाई किया एंड आपने इंटरव्यू क्लियर किया तो इट्स योर लक, आपकी अच्छी लक है वो, ओके बट ऐसा नहीं है कि अगर आप ड्रीमर्स पैकेज पढ़ते हो वो घोल बनाकर पी गए तो आप सारी इंटरव्यू क्लियर करोगे। ड्रीमर्स पैकेज 700+ स्टूडेंट्स ने खरीदा है, बट क्लियर उन्हीं का हुआ है जो अपनी नोट्स खुद की बनाए हैं, जिन्होंने क्वेश्चंस अराइज किया है, जिन्होंने वो क्वेश्चंस मरीन इंजीनियरिंग डिकोडेड ग्रुप में पोस्ट किया है, जिन्होंने वो क्वेश्चंस व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट किया है, उन्हीं की इंटरव्यू भी क्लियर हुई है। आप पास्ट रिकॉर्ड उठाकर देख लो, आपको वो लोग बोलेंगे कि मैंने नोट्स बनाया, मैंने प्रॉपर तरीके से लेक्चर्स को फॉलो किया। आप नोट्स बनाओगे तो क्वेश्चंस अरेंज होगा, आप पंप्स के लेक्चर्स देखोगे ना, आप पंप्स के लेक्चर्स देखोगे तो आपके दिमाग में क्वेश्चंस आएंगे कि भाई एयर को हैंडल क्यों नहीं कर सकते हैं। आप प्राइमिंग के लेक्चर्स देखोगे तो वहां पर सर ने बोला है कि यस लिक्विड लिफ्ट हो रही है विद द हेल्प ऑफ पावर, तो व्हिच पावर, कौन सी पावर, दैट इज योलर पावर, बट वहां पर योलर पावर मेंशन नहीं है, बट आपको इंटरव्यू में योलर पावर पूछी जा सकती है। भाई इंटरेस्ट दिखाओगे, नोट्स बनाओगे, तभी क्वेश्चन अरेंज होगा, क्वेश्चन अरेंज होगा तो उस पैकेज के बियॉन्ड जाओगे, सिंपल सी बात है, ओके तो ये मेरी ऑनेस्ट फीडबैक थी, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, ओके सॉरी अगर कुछ बुरा लगा हो तो ड्रीमर्स पैकेज के ऊपर, बट जो मैंने फील किया मैंने वो शेयर किया, ओके ड्रीमर्स पैकेज बहुत अच्छी पैकेज है, जीएमई के लिए भी, टीएमई के लिए क्या क्या ऐड करनी है जीएमई में भी बताया, टीएमई में बताया, ओके एंड अब आपके ऊपर। यस थैंक्स टू प्रणीत मेहता सर जिन्होंने ये पैकेज इंट्रोड्यूस किया, पूरी रिव्यू थी, ओके सो थैंक यू, लेट्स लर्न एंड ग्रो टूगेदर विद मरीन ट्यूटर, थैंक यू।